पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक विकास, जो संविधान का टॉपिक है। ये पेपर CGPSC मेंस पेपर 3 भाग 2 का पार्ट है, ये है ना। तो इसका जो पहले वाले जो कंपनी का शासन वो समाप्त हो चुका था, मतलब ये पहले का 1858 तक था। अभी 1858 से आपको 1947 तक आपका भारत का शासन अधिनियम इसमें चालू होगा, मतलब एक अधिनियम लाएगा। ताज का शासन मतलब क्या? ताज का शासन मतलब इसके पहले बताया था कि जो ब्रिटेन द्वारा जो चलाया जाएगा, ब्रिटेन के संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा लंदन के, तो वहाँ से जो शासन चलेगा अभी 1848 तक वहीं से चलेगा डायरेक्ट, मतलब वहाँ से केंद्रीकृत होकर वहाँ का कुछ भी रूल होगा तो यहाँ मतलब लागू होगा। पहले क्या होता था, कंपनी द्वारा हमारे जो भारत में ही चलाया जाता था। फिर बाद में इनको लगा कि अब इसको अपने हाथ में लेना चाहिए, कंपनी के अधिकार से अपने हाथ में लिए ब्रिटिश लोग, तो वहीं से अभी 1858 से लिए। तो उन्हीं के बारे में जानेंगे है क्या चीज़ इसमें, तो चलिए बताते चलता हूँ मैं इसमें का। तो ये है आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब इसमें हर चीज़ को मैं लिख नहीं सकता हूँ मैं इसमें, अब जो भी जितना भी समय लगेगा मैं बताते चल रहा हूँ इसमें। तो भारत शासन अधिनियम है कि 1858 का भारत शासन अधिनियम, तो इस महत्वपूर्ण इस कानून का निर्माण जो है 1857 के जो विद्रोह हुआ था ना के बाद किया गया, जो 1857 का एक विद्रोह जान रहे हो, 1857 की क्रांति के बाद इसका गठन किया गया, मतलब ये अधिनियम पारित हुआ। तो जो भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी उसको कहा जाता था, किसको कहा जाता है उसको, जो स्वतंत्रता संग्राम आपका वही सिपाही विद्रोह आपका जो पहला जो, अरे जो 1857 क्रांति, इसी को ही बोला जाता है। अब इसमें क्या मतलब प्रावधान दिए गए इसमें बताता हूँ। इसमें जो मुख्य मुख्य जो प्रावधान थे, मतलब 1857 क्रांति के समझ, तो ये जो भारत के शासन को अच्छा बनाने के लिए, मतलब और मजबूत करने के लिए क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया, मतलब भारत के जो प्रशासन को और मतलब अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए जो ब्रिटिश अंग्रेजों के शासन काल में था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों को, है ना। और जो ब्रिटिश जो गवर्नर को उनको भी समाप्त कर दिया, लेकिन जो क्षेत्र थे ऐसे नहीं थे, गवर्नर थे मतलब उनके जो शक्ति को समाप्त कर दिया। तो राजस्व संबंधी शक्तियाँ और जो क्षेत्र से संबंधित शक्तियाँ, जो क्षेत्रपाल से संबंधित था, है ना, राजस्व आपका जो आय और व्यय वाले संबंधित रहेंगे, पूंजी उनकी संबंधित शक्तियाँ जो ब्रिटिश राजशाही मतलब राजतंत्र के उनके हाथों में जो हस्तांतरित हो गई, वहाँ चली गई, ठीक है। और अधिनियम की इसकी विशेषताएं और भी हैं, इनकी विशेषताएं मैं बताते चलता हूँ, इनका क्या क्या मतलब महत्वपूर्ण रोल था इसको लाने का। तो एक तो लाने का वही मैं बताया, इसमें जो अच्छा बनाने के लिए मतलब भारत शासन को इसको लाया गया। अब इसी के तहत जो है इसमें वही जो बता रहा था अभी मैं, सीधे जो महारानी की जो विक्टोरिया थी, जो महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। उस टाइम में महारानी कौन थी? विक्टोरिया, इसको याद रखिए आप, विक्टोरिया। महारानी कौन थी? ब्रिटेन की राजधानी थी, मतलब ब्रिटेन की महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। इसी टाइमिंग में ही 1858 में ही जो गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल जिसको बोला जाता है, उसको वायसराय बोला जाने लगा। और क्या नाम चेंज हुआ? ये भारत का जो गवर्नर जनरल जो पद था, गवर्नर ये महत्वपूर्ण है, MP इसको याद रखिए, जनरल से आपका वायसराय हो गया। वायसराय किसका वायसराय? भारत का गवर्नर जनरल से वायसराय कब हुआ? 1858 में। ये कब हुआ? लॉर्ड केनिंग के समय। ये पहले मतलब थे कौन थे वायसराय, पहले वायसराय कौन थे आप? केनिंग थे पहले वायसराय हमारे भारत के। तो इस अधिनियम के तहत
इस अधिनियम के तहत क्या होगा और भी मतलब बदलाव हुए, जैसे कि नियंत्रण बोर्ड था और एक निदेशक बोर्ड था, निदेशक कोर्ट था। तो द्वैत शासन जिस तरह से पहले चल रहा था, जो आपका जो इनके पहले जो इनके रेगुलेट कर रहे थे, मतलब जो नियंत्रण कंट्रोल ऑफ बोर्ड, बोर्ड आपका मतलब नियंत्रण बोर्ड था, एक निदेशक बोर्ड था, तो दोनों को समाप्त करके और द्वैत शासन यहाँ से समाप्त। तो क्या हुआ, द्वैत शासन आपका इसमें समाप्त हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। तो इसमें जो और भी जो नए पद, इसमें भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, इसमें एक सचिव का पद सृजन किया, सचिव के पद का सृजन मतलब निर्माण किया गया उसी टाइमिंग में ही 1858 में। भारतीय जो प्रशासन में संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति इसी में नहीं थी, जो सचिव में थी, जो भारत के जो प्रशासन के अंतर्गत, जैसे अभी वर्तमान में मुख्य सचिव है, कैबिनेट सचिव है ना, जो सबसे बड़ा अधिकारी हमारे भारत का, तो उसके अंतर्गत में जो भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति, भारतीय प्रशासन प्रशासन पर जो भारतीय प्रशासन पर क्या थी, जो नियंत्रण प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति किस पर निहित थी, राज्य सचिव पर। और जो सचिव जो है ब्रिटिश कैबिनेट का क्या था, सदस्य था, कैबिनेट वहाँ मंत्रिमंडल था, उसका प्रतिनिधि था, एक सदस्य था, कौन था, हमारे भारत का सचिव, जैसे कि आपका सचिव था मतलब वहाँ का सदस्य था, मतलब जैसे लोकसभा में एक सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, उसी तरीका से मतलब जैसे प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में बहुत सारे जो विभाग रहते हैं, उसके अलग अलग बांटे रहते हैं और एक प्रधानमंत्री तो एक ही रहता है, उसी प्रकार से इनको जो भारत का सचिव को क्या किया गया, ब्रिटेन कैबिनेट का सदस्य था, आपका कैबिनेट का सदस्य था। और ब्रिटिश जो अंततः जो ब्रिटिश अंततः संसद के प्रति, जो अंततः मतलब उसकी जो ब्रिटिश संसद है उसके प्रति कौन थे, उत्तरदायी थे, ब्रिटिश गवर्नर के जो उनके जो संसद के प्रति ये उत्तरदायी थे। कौन उत्तरदायी थे आपका बताया हूँ इसमें का मैं, जो भारत के सचिव जो पद नया बना था ना वो, और इसी भारत के सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य लोगों का एक गठन किया, परिषद बनाया गया, मतलब जो भारत के जो सचिव थे, एक तो सचिव था और 15 व्यक्ति और शामिल किए गए परिषद को, परिषद क्या किया, गठन किया गया, एक सलाहकार समिति थी, क्या थी, एक सलाहकार समिति थी, परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया, परिषद का जो अध्यक्ष था वो किसको बनाया गया, भारत सचिव को बनाया गया। भारत सचिव मतलब अब भारत सचिव मतलब क्या, जो अभी बता रहा था, परिषद का जो अध्यक्ष था वो भारत का सचिव ही था, जो 15 सदस्य का जो परिषद था ना, भारत का सचिव ही था। अब ये वीडियो काला दिख रहा है इसके, मैं इसको नीचे रख दिया हूँ है ना, मो सेलफोन को, इसलिए काला दिख रहा हो आप, इसमें क्या कि सुनिए मैं जो बोल रहा हूँ, इसमें सुनने के लिए मतलब सुनने में आप ध्यान दीजिए। इस कानून के तहत भारत के सचिव को क्या किया गया, परिषद का जो गठन किया गया, तो जो एक निगमित निकाय थी जो, और इंग्लैंड के मुकदमा करने का अधिकार था जिसको, तो एक जो भारत सचिव के जो परिषद का जो परिषद था वो क्या था, एक निगमित निकाय थी, और जो भारत के और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था, भारत और इंग्लैंड के मध्य मुकदमा करने का उनको अधिकार दिया गया था। इस पर भी जो क्या किया जा सकता है, उनके द्वारा उस टाइमिंग में मुकदमा किया जा सकता था। अब 1858 के कानून के प्रमुख उद्देश्य हम देखेंगे, प्रमुख उद्देश्य क्या थे, तो इनका मैं मकसद एक ही था, सुधार लाना। तो इस पर भी मुकदमा जो मुकदमा, इसमें मुकदमा दायर तो हो सकते थे, सुधार आते गया मतलब परिवर्तन हुआ, संविधानिक मतलब विकास होते गया इसमें, जिसके जो इंग्लैंड में जो भारतीय सरकार का अधिकरण और नियंत्रण हो सकता था, इसके तहत जो मशीनरी जो सुधार होता था ना, सुधार मतलब जो प्रशासन में जो सुधार किए, अधिकारी मशीनरी में
सुधार करके जो भारत का विकास करना था। अब इसमें जो भारत में जो प्रचलित थी पहले से जो प्रणाली, जो कोई उसमें जो प्रशासन में जो जैसे चल रहा था पहले भारत का, तो इसमें कोई ज़्यादातर परिवर्तन नहीं किए गए। इनमें प्रशासन में ज़्यादा परिवर्तन नहीं किए गए, थोड़ा मोड़ा ही चेंज हुआ उस टाइमिंग में 1858 तक। 1861 में एक है ना भारत परिषद अधिनियम, एक 1892 में भारत परिषद अधिनियम, एक 1909 भारत परिषद अधिनियम। तो 1857 की क्रांति के जो आप लोग सभी जान रहे होंगे, 1857 जो मंगल पांडे वाला बैरकपुर छावनी वाला हुआ था, सहयोगी नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने इसमें क्या किया गया, तो जो क्रांति थी ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में जो शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक था, क्योंकि उन्हीं के बाद पर्याप्त संख्या में और जनसंख्या में उनके पास वो नहीं था, एक क्या बोलते हैं प्रतिनिधि भी नहीं थे, और आपसी कम से कम जिस माहौल में रहे उसके तो है बहुत, तो कोई तो नहीं था मतलब उसके संपर्क में रहना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि मतलब जाए तुरंत आपका बात स्टार्ट कर दी, ऐसा नहीं था। मतलब शासन मतलब चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है, ये कहना चाह रहे थे। तो इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861 और 1892 1909 में एक नया अधिनियम पारित किया, 1861 1892 1909। ये जो 1861 में भारत परिषद अधिनियम संवैधानिक राजनीति के इतिहास में महत्वपूर्ण इतिहास अधिनियम था। ये कौन था अधिनियम, राजनीतिक रूप से अधिनियम था और मतलब और राजनीतिक संवैधानिक इतिहास में एक संपूर्ण महत्वपूर्ण अधिनियम था। 1861 में जो भारत परिषद अधिनियम की विशेषताएं इसमें बता देता हूँ, नहीं तो इसी के अंतर्गत बता देता हूँ। भारत परिषद अधिनियम और भारत शासन अधिनियम अलग है। 61, 92, 61, 92 में क्या क्या भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम लाया गया। अभी 1861 की क्या विशेषता है इसमें, है ना, तो इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में जो है, जो कानून जो बना था 1861 में, तो इनमें जो है भारत को भी शामिल करने की शुरुआत है। जो भारत परिषद अधिनियम है तो इसके जो 1861 के अधिनियम देखते हैं इनमें विशेषताएं कौन कौन सी थी इसको बताता हूँ। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी अब आए तो पढ़ लेते हैं। विशेषताएं इनमें क्या थी, इनके द्वारा जो कानून बनाने की प्रक्रिया में क्या हुआ, जो भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने की शुरुआत है, भारतीय लोगों को मतलब इसमें उधार करने के लिए प्रयास किया गया, शुरुआत की गई, क्या की गई आपका मैं जो बोल रहा हूँ इसमें का सुधार किया गया। तो ये इसके द्वारा जो मतलब जो लाया गया आपको क्या बोलते हैं जो प्रक्रिया जो शामिल करने की शुरुआत हुई, इस प्रकार व्यवसाय की कुछ और भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में क्या कह रहे नामांकित कर सकता है, क्या बोल रहा हूँ इसमें का मैं, गैर सरकारी सदस्यों की क्या भारतीय बना इसमें जो शुरुआत हुई है ना, अब इनमें अधिकार दिया गया जो वायस आए थे गैर सरकारी सदस्य को भी नामांकित कर सकते थे। जो वायस आए थे 1861 में अधिकार दिया कि जो गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकते थे। जैसे 1862 में आपका लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों बनारस के राजा पटियाला एवं सिंध बांध को क्या कर रहे थे, इन्हें लेने की बात की, मतलब चयन किए, उनके द्वारा चयन किया गया। लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीय बनारस है ना, राजा बनारस के राजा पटियाला एवं महाराजा और सर दिलकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया कैनिंग के द्वारा। कौन कौन से राजा, पटियाला महाराजा सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। अब इसी अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत।
ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा वीडियो इसलिए मतलब थोड़ा बोलना बंद कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा नींद आ रहा है मुझे, पता नहीं कैसे। नहीं अभी अभी खाना खाया हूँ तो इसलिए थोड़ा नींद टाइप का आ रहा है इसमें। चलिए फिर मैं बताता हूँ इसमें। इस अधिनियम ने जो मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत की। वही बता रहा हूँ, इस अधिनियम ने जो क्या किया, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ पुनः पुनः देकर। क्या वो पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत की। इस जो इस अधिनियम के जो ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा की गई जो केंद्रीकरण प्रवृत्ति साथ ही अपने चरम पर पहुंची है। यही तो इसमें जो देखिए मैं बता रहा, इसमें तो केंद्रीकरण प्रवृत्ति तो उलट दिया और 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने गरम पर पहुंच गए लोग। तो इसमें जो विकेंद्रीकरण रेगुलेटरी है 1773 द्वारा लागू शुरू हुए, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया गया है। तो ठीक है, इतना याद हुआ आपको, लोग कुछ मैं बताया। इसमें जो चार्टर एक्ट आया था अधिनियम 1833 में, वो भी चरम पर था अपने। तो प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हुई, मतलब प्रांत में जो थे जो गरीब तबके के लोग थे उनको क्या किया इस टाइमिंग में, उनके विधायी विकास कानून से संबंधित विकास स्वायत्तता हासिल हुई। बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और नोज पंजाब में तो इनमें जो विधायी विकास और नीति के कारण जो 1937 तक प्रांतों का संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता जो क्या हासिल किन के द्वारा की गई, जो भारत परिषद अधिनियम की। अब इसी टाइमिंग में ही क्या हुआ, 1862, 1866, 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। क्या हुआ इन्हीं के टाइमिंग में, क्या हुआ देखिए, 1866, 1897 इन्हीं के बीच क्या हुआ आपका, विधान परिषद का गठन हुआ। विधान परिषदों का क्या हुआ, गठन हुआ। तो परिषद में जो कार्य संचालन के लिए इन्हीं इनको बनाने के मतलब क्या था, विधान परिषद तो वायसराय को जो है उनके पास काम नहीं होता था, मतलब अधिकतर काम अधिक ज्यादा काम होता था तो इधर की जवाबदारी भूल जाते थे। तो वायसराय को परिषद के जो कार्य जो जो भी दफ्तर है उसमें चाहे जितना भी वेतन मिलता रहे में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और अधिक होती दिखाई पड़ती है। मतलब वायसराय के जो परिषद थी कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्ति प्रदान की उनको, इनको मतलब इनको प्रदान की। ये आपका ये जो भारत परिषद अधिनियम की विशेषता है। तो वायसराय को जो कार्य संचालन के समय अत्यधिक मतलब मात्रा में जो है नोटिस जारी करने अत्यधिक मात्रा में क्या नोटिस जारी करने की शक्ति मिली है इसको। पोर्टफोलियो प्रणाली की मतलब इनके द्वारा किया गया, जान रहे होंगे तो आप लोग। इसी टाइमिंग में देखिए एक सदस्य जो था वो कई सारे विभागों में जाकर सरकारी नौकरी ले सकता था, ठीक है। तो उनको जो इस विभाग के काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश, तो चलिए मैं वीडियो को यही मतलब सब रोकता हूँ, ऐसे सोच रहा हूँ ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा मैं, लेकिन एक बार ओवर भी बता देता हूँ इसमें का। एक सदस्य या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता है तथा उसे इस विभाग का है को
अंतरिम आदेश से पारित करने की अधिकार भी था इनके, जो वायसराय को जो आपातकाल में संबंधित बिना काउंसिल के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 माह तक होती है। जो अध्यादेश की अवधि जो काम पड़ता है तो अगर उसकी अवधि कितना 6 माह तक होती है। चलिए 1892 के अधिनियम की विशेषता, एक 1862 हो गया और 1892। तो 1892 में हुआ क्या, इसकी विशेषताएं क्या क्या थी, इसको बारे में जानते हैं, है ना। तो इसके माध्यम से केंद्रीय और शिक्षा प्रांतीय तो चलिए इसके माध्यम से इसके जो माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में क्या क्या, जो केंद्रीय और प्रांत में जो विधान परिषद थी तो उसका क्या क्या है, उसका तो उसमें मतलब सीटों को बढ़ाया गया, उसमें क्या क्या सीटों की सदस्यता को बढ़ाई गई। अब इसी में क्या देखेंगे, जैसे कि अभी इसमें जो इन विधान परिषदों के कार्यों में विधि कर उन्हें विधान परिषदों में जो भी आपका पहचान बचपन से पले बढ़े तो जान तो रहेंगे। बजट पर जो बहस करके, बजट पर बहस करने एक ही कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए लिए अधिकृत किया इसी टाइमिंग में। तो उन्हें बजट पर जो बहस करने का अधिकार दिया गया 1892 में, है ना, प्रश्नों उत्तर देने के लिए अधिकृत किया, प्रश्नों के उत्तर देने के लिए भी अधिकृत किया गया। पांचवा में, तीसरा में मतलब इसके जो और है टॉपिक इसके 1892 में, इसका मतलब मुंह से ही बताता हूँ, हर चीज लिखना पॉसिबल नहीं है। तो इस केंद्रीय परिषद एक बना था, क्या बोल रहा हूँ इसमें का, इस अधिनियम के केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर अनुसूचित सदस्यों की नियुक्ति क्या, नियुक्ति के कारण, अब इनकी नियुक्ति के कारण क्या क्या थे। जो केंद्र स्तर पर हो गया और राज्य स्तर दोनों में क्या किया गया, दोनों में आपका एक सदस्यों की नियुक्ति की गई, गैर सरकारी अधिनियम सॉरी एक सदस्यों की नियुक्ति के लिए सीमित और परोक्ष उत्तर अनुपात। ठीक है चलिए वीडियो को अभी जो 1909 का देखिए, 1909 में अधिनियम में क्या दिया गया, लास्ट बचा है 1909। तो इस अधिनियम के माल्य मिंट सुधार भी बोला जाता है, इसको आप अभी हिस्ट्री में बताया था इसको मैं, तो माल्य मिंट सुधार में वायसराय थे, कौन थे, सचिव थे, भारत के राज्य सचिव आपका अब इसमें जो देखिए, इस माल्य मिंट सुधार में जो केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि हुई, जो केंद्रीय और भी जो आपका प्रांत के जो विधान परिषद के आकार में क्या हो, वृद्धि हुई। इसमें परिषद की विस्तार हुई, मतलब संविधान के विस्तार हुआ, जो ब्रिटिश भारत में था उसमें पेज में विस्तार हुआ। तो इनकी जो संख्या थी 16 से 60 इसकी संख्या थी। वित्त के केंद्रीय परिषदों में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। इसमें जो विधान परिषद में इनकी संख्या एक समान नहीं थी, मतलब विधान परिषद अलग अलग विधान परिषद मतलब जो आपका जो नया नया मतलब जो कोई भी मतलब परिषद बनती है तो उसमें ये उनसे अलग है ना, समान नहीं है। और हर राज्य का अलग अलग मतलब कानून है, उनको हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें परिषद में जो है केंद्र में जो परिषद बनती है सरकारी बहुमत को तो इसमें अभी देखो 1909 बता रहे, इसमें केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा है, लेकिन इसमें प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। सरकारी में आपको केंद्रीय सरकार, तो केंद्र में जो इसमें जो आपका परिषद में आपका जो था गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत प्रांतीय में आया था,
रखा गया था, अनुमति दी थी। अब इन्हीं दोनों स्तरों में विधान परिषद और विधान सभा विधान परिषद के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अरे थोड़ा मेरे को नींद आ रहा है, इसको वीडियो के बाद देखूंगा, थोड़ा मैं इसके बाद वाला बनाऊंगा इसमें। ठीक, 1909 से इसमें चालू करेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।